तो देख लो पूरा मैंने ऐसे चमका दिया है, इतना सारा मैल निकला यहाँ से, पूरा यहाँ पे मिट्टी 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 कचरा 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 जम रखा था आसपास, और इस वजह से चैन खराब हो रही थी, ये चक्कर भी खराब हो रहा था। कहाँ है रोटी रोटी रोटी, ये रही रोटी, इससे गाय को खिलाया जाएगा, ऐसे ही नहीं फेंक देनी है, गाय आएगी कुत्ता आएगा खा जाएगा। रोटी आ गई है थैली के अंदर, अब थैली जाएगी नीचे। चलिए मिशन सक्सेसफुल, पापा समझ गए, खंबे के नीचे रोटी रख देंगे, कुत्ता या फिर गाय आके खा जाएगी। पापा जा रहे साइकिलिंग के लिए, देख रहे हो पापा का स्वैग। अभी सुबह के 10 बजने वाले और पापा आज 10 बजे सुबह के 10 बजे साइकिलिंग पे जा रहे हैं। ये टाइम ना पापा का साइकिलिंग करके लौटने का होता है घर की ओर, बट आज जा रहे इतने बजे बिकॉज पापा के दोस्त आए हुए थे, ये इनविटेशन है शादी का, तो ये कार्ड देने के लिए आए थे। अभी 2 घंटा तो मैंने और पापा ने एक दूसरे के साथ बात करते हुए बिताया, जरूरी बातें थी करनी तो करनी पड़ी, यहीं पे मैं बैठा था और मेरी जगह पे पापा बैठे थे। आपको पता ही है कि मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब चल रही है 2-3 दिनों से, आज तीसरा दिन है और आज 2 दिन के मुकाबले अच्छा लग रहा है, ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आप मेरी बातों पे से ही समझ गए होंगे कि मुझे आज अच्छा फील हो रहा है, फिर भी सर दर्द थोड़ा सा है और थोड़ा सा जुकाम है, थोड़ा सा हल्का हल्का एकदम हल्का जुकाम है। बाकी 2 दिन से मैं नहाया नहीं गाइस, ये बीमार होने के चक्कर में नहाया ही नहीं गया। मम्मी और पापा ने कहा कि मत ना, अभी इतनी ठंड में नहाएगा, ऊपर से बीमार है तो और बीमार हो जाएगा, सर धोएगा, ये करेगा वो करेगा, उससे अच्छा भाई ब्रेक ले, थोड़ा सा ठहर जाए, थोड़ा ठीक हो जाए उसके बाद नहाना। तो आज तीसरा दिन है, रेड लाइट डिम हो जाएगी एंड ग्रीन लाइट फुल हो जाएगी ना, इसका मतलब ये होगा कि पानी गर्म हो चुका है, नहा लीजिए साहब, ऐसा बोलेगा ये गीजर। वैसे अभी धीमे धीमे तबीयत ठीक होती जा रही है, तो यकीन हो रहा है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट मेरे अंदर नहीं है। पानी मैं ज़्यादा पी रहा हूँ आजकल, वैसे तो रोज़ ज़्यादा ही पीता हूँ, बट आज कल जब से बीमार हुआ ना तब से पानी और ज़्यादा पीने लगा हूँ, बिकॉज पानी ऐसे सारे दर्द की दवाई होती है, ऐसा मैंने कहीं पे तो सुना और पढ़ा भी है। अरे फोन आ गया, महाराष्ट्र से मनीष भाऊ का फोन है। नमस्कार मनीष भाऊ, गुड मॉर्निंग। आज ये आप 30वां व्लॉग देख रहे हो, मैं ऐसे 1 महीने से कंटिन्यूअसली व्लॉग बना रहा हूँ। मैं ऐसे खुद को चैलेंज किया था बट आपको बताया नहीं था, किसी को भी नहीं बताया था, सिर्फ पापा को बताया था कि पापा यार एक बार ना 30 व्लॉग मेरे को कंटिन्यूअसली रेगुलर अपलोड करने अपनी यूट्यूब चैनल पे। पापा और मम्मी बोली कि हो जाएगा बेटा, करता रहे, रोज़ अपलोड कर। हाँ बहुत सारी दिक्कतें आई, अड़चने आई, बट वो सब अपने ने पार कर ली। 3 दिन अभी आखिरी में 3 दिन भाई साहब बीमार हो गया, तब मुझे ऐसे लगा कि क्या नहीं हो पाएगा ये, बट फिर पापा ने बोला कि नहीं करना पड़ेगा बेटा, कर जो ठाना है ना इस बार करके दिखा दे, दूसरों के लिए नहीं, हमारे लिए नहीं, खुद के लिए। तो फाइनली आज 30वां व्लॉग आप देख रहे हो, मतलब यार ये मेरे लिए बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है, और कुछ अब तक 2.5-3 साल के YouTube करियर में मैंने अब तक 247 या 8 व्लॉग्स अपलोड किए टोटल, बट 1 महीना कंटिन्यूसली व्लॉग कभी मैंने अपलोड नहीं किए। लास्ट 21 दिसंबर को मेरी बर्थडे थी और बर्थडे के दिन मैंने डिसाइड किया था कि डेली व्लॉग्स 30 दिनों तक रोज़ अपलोड करूँगा। सो जो मैंने डिसाइड किया था ना बर्थडे के दिन, वो मैंने करके दिखाया गाइस, करके दिखा दिया। 30 व्लॉग डेली अपलोड करना 30 दिन में, खाने का खेल नहीं है, आप समझ पा रहे होंगे है ना, खाने का खेल नहीं है गाइस, करके देखना मज़ा आएगा। वैसे वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल HX94 व्लॉग्स, आई होप यू विल एब्सोल्युटली फाइन एंड क्रेजी लाइक मी। बातों में बहुत सारी बातें हो गई और टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया, पानी अपना गीजर में गर्म हो चुका होगा, अभी नहाने का वक्त है, नहा लेता हूँ और फिर कपड़े चेंज करता हूँ। यार आज तीसरा दिन है, नहाना बहुत ज़रूरी हो चुका है आज के दिन। वैसे अब डेली व्लॉग्स अपलोड करूँगा या नहीं वो तो देखना रहा, मतलब कि व्लॉग्स तो आएंगे बट नेक्स्ट 30 दिन में 30 व्लॉग कंटिन्यूसली आएंगे या नहीं आएंगे
वो देखना रहा। जितना हो पाएगा उतना कोशिश करूँगा, बाकी 30 days 30 vlogs चैलेंज कंप्लीट हो गया। दो दिन के बाद मस्त नहाया, फिर कपड़े वपड़े चेंज किए, एंड कुत्ते ने काटा था तो दवाई जल्दी लेनी थी, तो फिर खाना खा लिया, उसके बाद दवाई ली। फिर तो क्या था यार, दवाई का नशा ऐसा चढ़ता है ना कि सोना ही पड़ता है। मस्त सोया हुआ था, ऐसे कुत्ते ने काटा था, तो रेबीज की दवाई के साथ साथ डॉक्टर ने पैरासीटामोल भी दी हुई है। पूरा कोर्स ख़त्म हो तब तक रेबीज की दवाई के साथ पैरासीटामोल भी निगलनी है। तो फिर से रोज़ खाता हूँ ना, फिर दोपहर को नींद आ जाती है। जब भी खाओ उसके आधे घंटे बाद ऐसे नशा होने लगता है, फिर नींद आती है और फिर सोना ही पड़ता है। तो अच्छे से ऐसे बेड पे लेटा हुआ था, एंड फिर धीमे 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 ऐसे बाहर गैलरी में मियाओ 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 की आवाज़ सुनाई दी, और एकदम से अभी नींद खुल गई। मैं समझ गया कि हमारी बिल्ली आ चुकी है, ऐसे पता नहीं कितना खाना चाहिए उसको। खाना नहीं खाना होता है ना तो भी ऐसे भाई साहब भूख लगी हो ना ऐसे मियाँ मियाँ करती रहती है। अभी दिखाता हूँ आपको, ये रही कैट फूड तो यहाँ पे है, बट ये वाला बाउल, दूध वाला बाउल खाली है और इसे चाहिए दूध। चल पी ले, सुनिए सारा दूध पी जाना, समझ रही है? अभी मम्मी सो रही है, अगर जगने के बाद बाउल में दूध देखा तो तेरी वजह से मेरे को डांट पड़ेगी। ये गाइस हम दोनों की कन्वर्जेशन है, ये आप थोड़ा बहुत समझ पाओगे, ज़्यादा नहीं। आपको याद होगा कुछ दिन पहले मैं ये टूल मार्केट से लेकर आया था अपनी कावासाकी के लिए, तो कावासाकी का एक काम रह जा रहा था, वो आज कंप्लीट करना ज़रूरी है। वैसे घर से बाहर तो मैं जा नहीं सकता, मॉम एंड डैड ने बोला है कि तू बीमार है तो घर के बाहर जाएगा नहीं, स्पेशली बाइक लेकर तो बिल्कुल भी नहीं। तो इस वजह से घर के अंदर ही रहकर ये वो ऐसे वैसे काम ढूंढते रहता हूँ एंड व्लॉगिंग करके आपको भी दिखाते रहता हूँ। तो ये वाला, ये है चैंस पॉकेट, यहाँ पे ये बड़ा सा चक्कर और यहाँ पे छोटा चक्कर आता है जिसे पॉकेट कहते हैं, क्या कहते हैं पता नहीं। यहाँ पे ये वाला कवर निकालना है, बिकॉज ये देख रहे हो यहाँ पे तो मैं इजीली एकदम ये चक्कर के आसपास अंदर जितनी भी बाहर धूल लगी है ना वो क्लीन कर सकता हूँ, बट यहाँ पे अंदर के साइड चैंस पॉकेट या चक्कर जो भी कहते हैं उस पर जो धूल लगी होती है ना और चैंस स्प्रे से जो भी कुछ चिपकता है वो क्लीन नहीं कर सकते। तो स्पेशली अंदर स्क्रू है इसका, देख रहे हो ये इस तरह से लगाना पड़ता है और ऐसे ये वाले कवर को मैं निकालूंगा एंड ये चैंस पॉकेट, छोटा वाला जो चैंस पॉकेट है क्या कहते हैं चक्कर, उसे क्लीन करूंगा अपने चैन क्लीनर स्प्रे से। अब आपको दिखाता हूँ ये अंदर से कितना गंदा हो रखा है, देख रहे हो ये चिपका हुआ, और यहाँ पे तो बद से बदतर है हालात। ये देखो, देख रहे हो ये सारा मैल है पूरा। ऐसे चैन स्प्रे लगाते हैं ना तो चैन स्प्रे के साथ साथ धूल मिट्टी चिपकती है हवा में उड़ती हुई और वो सब यहाँ पे जमा हो जाती है। अगर आप इसे क्लीन नहीं करते टाइम टू टाइम तो चैंस पॉकेट, चैन मतलब कि पूरा चैन सेट खराब हो सकता है। देख लो कितना सारा मैल चिपका हुआ है ना अंदर, ये पूरा अभी मैं साफ करूंगा बैठे बैठे, बिकॉज और तो कोई काम है नहीं और ये बहुत ज़रूरी काम था जो आज मैं पूरा करूंगा। मैं जब भी अपनी बाइक सर्विस में देता हूँ ना तो हर बार मैकेनिक को बोलता हूँ कि ये वाला कवर निकाल कर ये पूरा कचरा यहाँ पे जो जमता है ना वो क्लीन कर दे, बट आज मुझे पता चला कि मैकेनिक भाई साहब ये वाला हिस्सा तो क्लीन ही नहीं करते, इसी वजह से इतना कचरा जमा है, वरना इतना कचरा जमता नहीं है। अब देखो ये हिस्सा कैसे चमक रहा है, अपनी कावासाकी का चैन सेट वाला ये हिस्सा मैंने पूरा क्लीन कर दिया है, पहले धूल मिट्टी जमी हुई थी यहाँ पे, और देख लो ये रहा कचरा, कचरा ही कचरा, कचरा ही कचरा जमा हुआ था, पता नहीं कितने सालों से ये कचरा यहाँ पे जमा हुआ था। और अगर आज मैं क्लीन नहीं करता ना तो कसम से कह रहा हूँ ये चैन सेट कुछ ही महीनों के बाद मुझे नया डलवाना पड़ता, बिगड़ जाता, बिकॉज कचरा जमा रहता और वो घिसता रहता ना चैन पे, तो चैन के रबर घिस जाते
और चैन सेट का खर्चा आ जाता। तो इतना सारा कचरा अंदर जमा था वो मैंने जैसे तैसे करके निकाल दिया और हाथ पूरे से देख लो, हथेली और उंगली पूरी काली हो गई। ये तो ये कपड़े से मैंने क्लीन किए तब जाके इतने क्लीन लग रही है, वरना पूरे ऐसे काले हो चुके थे। और देख लो ये, इससे मैंने कचरा निकाला है स्क्रू ड्राइवर से, और ब्रश से भी घिस घिस के ऐसे कचरा निकाला। फिर ये कचरा निकालने के बाद चैन क्लीनर लगाया, चैन क्लीनर ने सही से काम किया। फाइनली बोल्ट एकदम हो गए टाइट, कवर फिक्स हो चुका है। सो गाइज, ये बात पे से एक बात आपको ध्यान रखनी है कि जब भी कभी आप कहीं पे भी अपनी बाइक सर्विस करवाने दो, तो सर्विस हो जाने के बाद सर्विस स्टेशन से बाहर निकालने से पहले प्रॉपर तरीके से अपनी बाइक चेक कर लो। मैकेनिक भाई साहब को जो जो बोला है वो मैकेनिक भाई साहब ने डन किया है काम या नहीं, अगर नहीं किया है तो फिर खड़े खड़े काम डन करवाओ, उससे पहले पैसे मत दो और बाइक भी अपनी सर्विस स्टेशन से बाहर मत निकालो। ये मुझे आज एक्सपीरियंस हो गया। वीडियो ऑलमोस्ट यहाँ पे एडिट हो चुका है। आप ये सोच रहे होंगे कि यार ये 3 दिन से क्या घर में बैठे बैठे वीडियोस बना रहा है, कैसे वीडियोस बना रहा है, मज़ा नहीं आ रहा। एक्चुअली सच कहूँ तो मुझे भी इतना मज़ा नहीं आ रहा 3-4 दिन से, बिकॉज बीमार हूँ, और बीमार हूँ तो फिर बाहर नहीं जा पाता और बाहर जाना भी नहीं चाहिए, तो वीडियोज़ तो मुझे बनाने ही है डेली। तो भाई साहब ऐसे तैसे जैसे भी बन रहे ना, घर में बैठे बैठे भी मैं वीडियो बना रहा हूँ भाई। मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है, आपको मज़ा आ रहा हो ना आ रहा हो बट कोई दिक्कत नहीं है, मज़ा आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना। ऐसे ही अभी कुछ दिन चलेगा, बिकॉज जब तक ठीक नहीं होता तब तक राइड पे तो जा नहीं पाऊँगा, राइड पे क्या घर के बाहर निकल नहीं पाऊँगा ऐसे बेवजह, है ना। हॉस्पिटल जाना होता है तो परसों हॉस्पिटल गया था, वो वीडियो आपने देख लिया कि भाई गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इंजेक्शन लगवाने गया था पापा के साथ, तो बस ऐसे ही बाहर जाना हुआ। बाकी तो फिर ठीक होने तक घर में ही बैठने के लिए मम्मी ने ऐसे धमकी दी हुई है, तो घर में बैठे बैठे ऐसे कैसे ना कैसे कुछ ना कुछ करके वीडियो बना रहा हूँ। समझ पा रहे होंगे आप बात को, होप सो समझ पा रहे होंगे। बाकी वीडियो का एंड करना रह गया था, तो ये एक्चुअली कल रिकॉर्ड हुआ था और आज दूसरा दिन और दूसरे दिन की शाम को ये वीडियो एंड कर रहा हूँ मैं। गाइज अभी देख लो, ये एडिट करने के बाद जस्ट अपलोड भी अभी ही करूँगा, बीमार चल रहा हूँ ना तो दवाइयाँ पीता हूँ, ये पीता हूँ वो पीता हूँ, तो फिर से पूरा दिन थोड़ा बहुत रिकॉर्ड करना होता है, उसके बाद तो फिर दवाई पी के नींद आती है पैरासीटामोल की वजह से, और फिर ऐसे दवाई और भी दी हुई ना रेबीज़ की, तो वो सब मिक्स हो जाती है, तो फिर दिमाग पे चढ़ता है नशा और फिर सोना ही पड़ता है। फिर सोने के बाद शाम को उठता हूँ तो फिर जैसे तैसे करके अभी देख लो 6:30 बज रहे, ये तो जल्दी उठ गया इस वजह से एडिट कर दिया अभी। बाकी 8 बजे एडिट करने बैठता हूँ और 9 बजे आसपास भी जैसे तैसे करके फटाफट 9-10 बजे के बीच में आपको व्लॉग आजकल आ रहे होंगे रात को, मैं अपलोड कर देता हूँ, है ना। तो ऐसा सब चल रहेगा, इस थोड़ा बहुत मैनेज कर लेना, इस वजह से बस वीडियो भी रात को मैं अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि एडिट नहीं हो पाता यार। समझ पा रहे होंगे आप, बीमार हूँ और समझ गए ना, बीमार बोल के ऐसे ज़्यादा नहीं बोलना चाहता, बिकॉज आपको ऐसा लगेगा कि हाँ भाई सिंपथी ले रहा है, बट ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना इस वीडियो पर। हाँ, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना। हम मिलेंगे इसी हंसी मजाक के साथ, हंसी मजाक तो कहाँ हो रहा है आजकल, फिर भी हम मिलेंगे हंसी मजाक के साथ। ठीक हो जाऊंगा जल्दी, फिर ज़्यादा हंसी मजाक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए यूं ही मेरी तरह कुछ ना कुछ करते रहो, हंसते मुस्कुराते रहो। टाटा, बाय बाय, टेक केयर, सी यू। टाटा।